party! And thank you to Hano! Aina lamnam sigi miyam da haijin ingbase bhot ki matamda election gi matamda ikoina serious we bo wat pa wakhal khantha bo wat pa karino ta ugdor se sigi pumang na bani hen ba mi ne yelai ba paisa do lo gdra sak sa si hai bo sa gdra jing ga pire si bo lo gdra na chagna kari ta usigi na khalli ngai gi matamda ikoi se bhot pi ba yog da na How keep a say whom Budras a quay Nenatad and Laki Billy? Masina Dazina, ah, Delhi the Gay. Nandagi Summit Potras in the Shreda, Punamak Nayaga Lady, the Asmokin and Asi, Jagazaka, the Sanga Sanga Lady, Punamak, sir, Masugumas Hanti, Labour Development Labour, Isanisa Mayamu, Kai Kuna, but the Gumas Hassan, sir, Makasa, he Manga Satana with them Glapo. Hide the posse, a quick lazy by quickie, taxing the lady by Wagai, the lady by Yang and the lady by Prasas in the machine low weight tragedy. A quick Hana Mamangi, Gari Masakan the Mamlak with the Tumba Yadaba, Isa Shupung Mamataki with the Halakta with the Latin Pirates for Kangaiba, as why the Tahore, as why the Durele Ramey have a photo, Halakani. Other Madu Halalo, she had a good quickie, the Botai, Barthes and the party, Adumba, Prime Minister Narendra Modi Jigi Makada. Pitching Manu the quality and a shakti labor to party Moeribo. Adumba Labaka Moeribo. Serena Zepina Dazigi National President Magi Makada Barak Pumba the BJP at the game. Live Iho support. Aduna Koi Manipur the Sumasi. How give the Sumnagi Kumatrika Kabanina Sassan the Wiyam Wai Sassan the Wiyam Wagi Koi. I think I see Tamoishan Ibani Aduna. Lakadoba 22 gi Mars ki angan ba sayol da pangthok kadra haina koina khajan ari badu election de di BJP khakt ki hoi ba tang ta ba sasan nam me anda pibi hoi bi nei lachis madu lakpa matam da yang bi hoi ba purja sing Manipur Manipur kayam yam nu ngai bole ba koi de kun ma thoi khang na pai ba da asuk yam na shanti le re sin de ni pu ka la pai ra de kayam shanti le ne bai bi अदनाई वापम करजे थम जरगा जरगाई में आमदगी खुरम जगे जाहिर सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार आज जब मैं मणिपुर में आया हूं तो सबसे पहले इस देव भूमि में गोविंदा जी के मंदिर को महाबली जी कृष्णा मंदिर को मैं नमन करता हूं और इस सांस्कृतिक धार्मिक भूमि को मैं अपनी ओर से नमन करते हुए प्रणाम करता हूं मित्रों जब मैं यहां युवाओं के साथ चर्चा में भाग लेने आया हूं तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं का जो मैं जोश देख रहा हूं जो ऊर्जा देख रहा हूं जो एनर्जी देख रहा हूं जो ताकत देख रहा हूं वह मुझे बता रही है कि यहां के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को आशीर्वाद देना तय कर लिया है यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं हम सब जानते हैं कि युवा ऊर्जा से भरा होता है एनर्जी से भरा होता है युवाओं में टैलेंट होता है कैपेबिलिटी होती है और कैपेबिलिटी को सामर्थ्य को उतारने की ताकत होती है और वह जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा भारत का भविष्य है ऐसे युवाओं को मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं
हम जानते हैं यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, नॉन पॉक थोंग हुनगी, यानी कि जो आज़ादी का रास्ता है वह आज़ादी का रास्ता पूर्व से शुरू होता है और उसका गेटवे है और रास्ता है तो वो मणिपुर का है, ऐसा कहा गया है। और इसको आज़ाद हिंद फौज ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको पूरा किया। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से आज़ाद हिंद फौज का के माध्यम से जो आज़ादी का बिगुल था वह मणिपुर की धरती पर बजा करके उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में यह ग्रेट वे ऑफ इंडिया, ग्रेट वे ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बढ़ाने का प्रयास किया है। और आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गेट वे ऑफ आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत का गेट वे ऑफ द ईस्ट मणिपुर है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पार्टी में हम देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए इन सब चीज़ों को मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने के लिए जहां एन बीरेन सिंह जी मणिपुर में लगे हैं तो वहीं हमारी युवा शक्ति ताकत दे रही है और उस ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें लगभग 31 करोड़ नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत लोन्स दिया गया है, 31 करोड़, 130 करोड़ की, 35 करोड़ की जनता है हमारी, और 31 करोड़ युवाओं को मुद्रा में लोन देकर के उनको काम में लगाने का काम किया गया। ये भारत सरकार का फोकस्ड प्रोग्राम है, ये दिशा के साथ प्रोग्राम है, ये दृष्टि के साथ प्रोग्राम है, ये विजन के साथ प्रोग्राम है। एंड दिस विजन इज दैट टू अट्रैक्ट द यूथ को मुख्य धारा में लाने के लिए उसको लोन दे करके अपने जीवन में खड़ा हो, वो जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, जॉब देने वाला बने, इस बात को हमको उन्होंने प्रेरित किया है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी ने खेलो इंडिया में 1000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए साल का देना तय किया है फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर हेल्थ। मैं चाहूंगा कि मणिपुर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस खेलो इंडिया में अपने आप को जोड़ें और खेलो इंडिया के साथ अपने आप को जोड़ करके आगे बढ़ें, उसको डेवलप करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड कम आए। उसी तरीके से जो यहाँ पर लॉरल्स, जो यहाँ पर नाम मणिपुर को दिया है, फिर चाहे वो मैरी कॉम हो, फिर चाहे वो मीराबाई चानू हो, चाहे वो फिर वो बोम्बयाला देवी हो, चाहे वो लैशराम सरिता देवी हो, बॉक्सर हो, सभी लोगों ने मणिपुर को एक नाम दिया है और युवा शक्ति को नाम दिया है, महिला शक्ति को नाम दिया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूँ जो मणिपुर की महिलाओं ने देश का नाम ऊंचा किया, फिर चाहे वो कोई भी गेम्स हुई उसमें उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और हम चाहेंगे कि हमारे जो मणिपुर के लोग हैं, हमारे को मणिपुरी में कहा जाता है, मैं कोशिश करूँगा बोलने के लिए, पारू कलासी नहरौल गी अनोबा मणिपुर, मणिपुर को एक युवाओं के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मित्रों, ये जो मैं अच्छी बातें गिना रहा हूँ ये मणिपुर में संभव क्यों हो पाया, इसलिए संभव हो पाया कि एन बीरेन सिंह जी की सरकार ने पिछले 5 साल में बिना किसी रुकावट के विकास को गति दी और तीव्रता लाई, इसको भी हमको ध्यान में। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, देखो अभी आपको धूप लग रही है कि नहीं लग रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सूरज का मजा तब है जब तुम अंधेरे को याद रखो, अगर अंधेरे को भूल जाओगे तो सूरज का मजा समाप्त हो जाएगा। अगर तुमको आज बीजेपी की सरकार के विकास का मजा लेना है तो कांग्रेस के अंधेरे दिन को हमेशा याद रखना, तभी तुमको सूरज का मजा आएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने तीन आई दिए हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज सड़क ही सड़क बन रही है, सड़क ही सड़क बन रही है। जहां देखो फोर लेन, थ्री लेन, टू लेन बन रही है कि नहीं बन रही है, सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रेलवे लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। और इनोवेशन हो रहा है, नए नए चीजों का इजाद हो रहा है। इनोवेशन के साथ साथ हमारे यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, सबको साथ। पहले क्या था, हिल वाला प्लेन में नहीं, प्लेन वाला हिल में, हिल वाला प्लेन में नहीं, प्लेन वाला हिल में नहीं। मणिपुर की इंटीग्रिटी को बचाते हुए, उसके कल्चर को बचाते हुए, इनर लाइन परमिट लगाते हुए मणिपुर को सबको साथ लेकर के चलने का काम एम बीरेन्द्र सिंह जी की सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ 60 नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, 4,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 298 किलोमीटर का फाउंडेशन स्टोन 21 जुलाई 2021 को रखा गया है ये नेशनल हाईवे बनने के लिए। 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन सैंक्शन हो गई है, ये जीरी बाम से लेकर के तुपुल से लेकर के इम्फाल तक ये रेलवे लाइन बन रही है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन में है, उसी तरीके से मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका इनॉग्रेशन हो गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। 300 प्रोजेक्ट्स ये प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, 300 प्रोजेक्ट्स, और 300 प्रोजेक्ट्स से 330 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लिया ले किया गया है, फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आप साथ दें, आप उसको आगे बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएंगे तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, कमल खिलेगा तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, एन बीरेन्द्र सिंह आएंगे तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, हमारे लोग बीजेपी के आएंगे तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, और इसके लिए आप सब लोग काम में जुटे, ये हम कहना चाहते हैं। हन्ना हन्ना बीजेपी, हन्ना हन्ना बीजेपी, हन्ना हन्ना नहरौल की या फबा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मणिपुर। मणिपुर इमाना, भारत इमाना, जय भारत जी।